नमस्कार, मैं वैशाली गिरमिले, आपकी स्वास्थ्य सारथी फ्रॉम MW आयुर्वेदा से। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों में फ्लैट फुट कैसे पहचाने। एड़ी और पैर की हड्डियों में मौजूद टेंडल और टांग के निचले हिस्से के तालमेल से पैर के मोड़ का निर्माण होता है। अगर टेंडल हड्डियों को पर्याप्त रूप से खींच लेता है तो मोड़ बन जाता है, और ऐसा ना होने पर मोड़ नहीं बन पाता, जिससे तलवे सपाट हो जाते हैं और इस स्थिति को फ्लैट फुट कहा जाता है। इस समस्या को पहचानने के लिए आप 5 चीज़ों पर ध्यान दें। फर्स्ट, पैर की छाया देखें। बच्चे के नंगे पैर की छाया देखें। सामान्यतः पैर की छाया तालू के साथ एक कदम सीधी होती है, लेकिन फ्लैट फीट के कारण यह सीधी नहीं हो सकती। यदि छाया में कोई असामान्यता है तो यह एक संकेत होता है। सेकंड, पैर की मुद्रा देखें। बच्चे को स्टैंड करने के लिए कहें और उनके पैरों की मुद्रा देखें। सामान्यतः अगली भूमिका सीधी होती है, लेकिन फ्लैट फीट के बच्चों में इसे कमी हो सकती है और पैर बिल्कुल तलवे पर रह सकता है। थर्ड, पैर की चोटी की हड्डी देखें। बच्चे के पैर की चोटी की हड्डी को देखें। अगर वह भार की ओर मुड़ी है तो यह एक संकेत होता है कि उनमें फ्लैट फीट की समस्या है। फोर्थ, दर्द और थकान का ध्यान दें। यदि बच्चे को चलने में या दौड़ने में या थकान महसूस होती है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि उनके पैर की स्थिति सामान्य नहीं है। फिफ्थ, पेडियाट्रिशियन से परामर्श। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे को फ्लैट फीट की समस्या है तो आपको एक पेडियाट्रिशियन से परामर्श करना चाहिए। वे आपके बच्चों के पैरों की स्थितियों का मूल्यांकन करेंगे और यदि आवश्यक हो उपयुक्त उपचार और व्यायाम सुझाव करेंगे। समर्थन और सहायता के साथ बच्चों में फ्लैट फीट की समस्या को सुधारा जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।